यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, तो अन्य 5 त्रिकोणमिति के मान ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए सबसे पहली बात तो साइन ए के बारे में जानना है। साइन ए दिया गया है 3/4, यहां पर 3 क्या है लंब है, 4 क्या है कर्ण है ना। अब बात आती है ए बी भुजा हम कैसे ज्ञात करें, है ना। ए बी भुजा ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। क्या लगा देना है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, है ना। तो ab square प्लस bc square इक्वल टू ac square हो गया, ठीक है। ab square प्लस bc square इक्वल टू क्या हो गया, ac square। अब देखिए जो मान दिए गए हैं यहां पर रख दीजिए, ab square ऐसे लिख देंगे, बीसी का मान कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, एसी का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। ab square 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ab square अब 16 में से 9 घटा, सॉरी 9 का ट्रांसपोज कर दीजिए इस तरफ, 9 हो गया, 16 में से 9 गया कितना हुआ 7 है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यानी 7 आया, ab square इक्वल टू हमारा आया 7, ठीक है। तो ab बराबर क्या आ जाएगा, √7, ठीक, यानी ab भुजा हमने कितना निकाल ली, √7, है ना। अब यहाँ पे cos a निकाल सकते हैं आप, cos a निकाल सकते हैं, cos a बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, है ना। आधार यहाँ पे क्या है, देखिए हमने भी बताया था ना, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, तो तीसरी भुजा क्या होगी आधार। आधार यहाँ पे क्या है √7 है, कर्ण क्या है 4, ये इस तरह जो है ये कास ए का मान निकला, कास ए के बाद अब टेन ए का निकाल लीजिए, टेन ए बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, इसमें लंब क्या है 3 है, आधार क्या है √7, यही तो है। अब इसके बाद काट ए निकाल लीजिए, काट ए बराबर क्या होता है, काट ए बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटा लंब, है ना। आधार आपका क्या हो गया √7, लंब क्या है 3। अब इसके बाद sec a निकाल सकते हैं, sec a बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण आपका क्या है 4, है ना। आधार क्या है √7, sec a निकल आया, ठीक है। sec a के बाद cosec a निकाल सकते हो, cosec a ये क्या होता है कर्ण बटा लंब, ठीक है। कर्ण हमारा क्या है 4, और लंब 3, लंब 3। इस प्रकार जो है अन्य 5 त्रिकोणमिति अनुपात निकल आए, cos a, tan a, cot a, sec a, cosec a, ठीक है। यस सर, एक क्वेश्चन और है, 15 cot a, NCERT बुक है, 15 cot a इक्वल टू a, यहाँ पर दिया गया है 15 cot a इक्वल टू a, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है साइन a sec a का मान ज्ञात कीजिए, किसका पूछ रहा है साइन a और sec a, इसका मान निकालना है, ठीक। यस, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है,
ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 है। ठीक, अब देखिए 15 काट a इक्वल टू 8 आपका गिवन है, ठीक है, इससे हम काट a निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? काट a, काट a क्या हो जाएगा? 8 बाई 15 हुआ। अब ये बताइए काट a क्या होता है? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, लंब होता है ना। एक फिगर ऐसे बना लीजिए, हमने बनाया फिगर ना, देखिए इधर ठीक, ये सी हो गया, ये ए हो गया और ये बी मान लिया। ठीक, इस एंगल ए को हमने थीटा मान लिया, आधार इसमें क्या है? एट है और ये क्या है? है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय, यानी पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। इसके हिसाब से क्या होगा? एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी आपका क्या दिया गया है? 8 का स्क्वायर कर देते हैं। बी सी आपका क्या दिया गया है? 15 का स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 225 में 64 जोड़ो, हैं? 5 4 कितना हुआ? 9। 6 2 कितना हुआ? 8। यानी 289। एसी स्क्वायर हमारा कितना आ गया? 289। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। एसी बराबर क्या होगा? हैं? 289 का वर्गमूल निकालेंगे, रूट, ये किसका होता है? 17 × 17। अब यहाँ पे 2 17 है, 2 17 में 1 17 हम ले लेंगे, ये 17 हमने ले लिया है ना, ये हो गया 17। अब यहाँ पर मान पूछ रहा है साइन ए, क्या मान पूछ रहा है? साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए, अब यहाँ पर निकाल लीजिए साइन ए। अब ये बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब, ये लंब है, लंब बटा कर्ण है ना। अब इसमें देख करके लिख दीजिए, लंब क्या है आपका? 15 लिख दो। कर्ण क्या है? 17 लिख दिए, ठीक है। इसी प्रकार अब इसके बाद पूछा है सेक, क्या पूछा है? सेक यस ई सी सेक ए, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार होता है। अब इस फिगर में देख के बताओ कर्ण क्या है? 17 है, आधार क्या है? 8। ये क्वेश्चन हो गया साल। अभी आगे चलते हैं, नंबर 5, 8.1 का प्रश्नावली, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है sec थीटा, क्या दिया है? sec थीटा, sec थीटा इक्वल टू 13/12, ये दिया गया है। तो कह रहा अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। दिया है sec थीटा इक्वल टू थोड़ी गलती हो गई, ये दिया गया बच्चों sec थीटा इक्वल टू 13/12, यानी 13/12 दिया गया है। तो पूछ रहा है अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात क्या कीजिए। तो हम क्या करते हैं, पहले एक ऐसा फिगर बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है बच्चों? समकोण त्रिभुज सी ए बी। एंगल ए को हमने थीटा कंसीडर कर दिया, एंगल ए को हमने क्या मान लिया? थीटा। अब यहाँ पर ये दिया गया है sec थीटा, क्या दिया गया है? sec थीटा। और sec थीटा क्या होता है? कर्ण बटा आधार, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। अब इसमें पुट कर दो, देखो अभी हमने बताया था थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और 90 एफ के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो तीसरी भुजा क्या होगी? आधार। ये 13 हो गया है, ये 12 हो गया। अब इसमें हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय।
यदि पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, पीजीटी क्या लगाया, पीजीटी। अब इसमें क्या हुआ, बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए सी स्क्वायर, है ना। बी सी स्क्वायर ए बी आपका कितना दिया गया है, 12। ए बी हमारा कितना दिया है, 12। अब क्या कर देंगे, 12 का स्क्वायर यानी 12 का वर्ग कर देंगे, क्या करेंगे, 12 का वर्ग। ए सी कितना दिया है, 13, ये 13 का वर्ग कर दिया। बी सी स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 12 ब्राह्मण 144, 13 का वर्ग कितना होता है, 169। तो ये हुआ बी सी स्क्वायर, है ना। अब इसका इसका क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो इसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, 169 माइनस 144। अब इसको घटा दो, 9 में 4 गया कितना हुआ, 5, 6 में 4 गया 2, है ना। यानी बी सी स्क्वायर आपका कितना निकल के आया, 25। बी सी बराबर कितना आ जाएगा, है? इसका रूट स्क्वायर निकालोगे तभी निकलेगा, बी सी बराबर आया 5। यानी इसको इस तरह भी ब्रेक कर सकते हो, 5 × 5 दिखाई पड़ रहा है, 5 × 5 इसका जो है रूट निकालोगे बी सी बराबर आ गया 5, है ना। ये बी सी 5 आ गया, तो अन्य मान निकाले जा सकते हैं, है ना, क्योंकि साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब इसमें क्या है 5 है, कर्ण क्या है 13। फिर इसके बाद कॉस थीटा निकाल लीजिए, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार इसमें क्या है बच्चों, 12, और कर्ण कितना है 13। इसके बाद साइन कॉस 10 निकाल लीजिए, 10 थीटा क्या निकालना है, हम 10 थीटा, ये 10 थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है, लंब इसमें क्या है 5, आधार क्या है 12। 10 के बाद जो है काट थीटा भी निकाल सकते हो, सीओटी काट थीटा, काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, है ना। आधार इसमें कितना है 12, ये कितना है 5, काट के बाद सेक थीटा तो दिया ही गया है, कोसेक थीटा निकाल लो, कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब, लंब ठीक है, कर्ण बटा लंब, कर्ण इसमें कितना दिया गया 13, लंब कितना है 5, है ना। इसी प्रकार ये क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, आगे बढ़े जी। एक क्वेश्चन है, इसको हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, यानी प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। कौन सा बता रहे हैं बच्चों, 7, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया है काट थीटा, क्या दिया गया है, काट थीटा, सीओटी काट थीटा, 7/8 क्या दिया गया है, 7/8 तो कह रहा है, तो इसका मान ज्ञात करना है, 1 + sin θ क्या लिखा है, 1 + sin θ अपान नहीं, 1 + sin θ, फिर है 1 − sin θ, 1 + cos θ, 1 + cos θ, 1 − cos θ, एक इसका मान निकालना है, दूसरा इसमें पूछ रहा है कि cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो, क्या cot स्क्वायर थीटा इसका मान निकालना है, है ना। अब देखिए, अब एक हम क्या करते हैं, पहले संपूर्ण त्रिभुज खींच लेते हैं, क्या खींचा, संपूर्ण त्रिभुज बना लिया, है ना, इसका नाम दे दिया सी
ए बी, क्या लिखा सी ए बी, ठीक है। एंगल ए को हमने क्या मान लिया थीटा, थीटा इसको माना ये 90 अंश। अभी हमने क्या बताया था थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, लंब 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, कर्ण। तीसरी भुजा क्या होती है आधार, आधार। अब देखिए आपको प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है cot थीटा इक्वल टू 7 बाई ए, है ना, cot थीटा इक्वल टू 7 बाई ए, ये 7 हो गया ये 8 हो गया। अब ये बताओ cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। इस फिगर में आधार ये हो गया, लंब आपका 8 हो गया, है ना। अब हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, है ना। इससे हम एसी स्क्वायर निकाल लेंगे, एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी आपका कितना दिया गया है 7 का स्क्वायर, BC कितना दिया गया है 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी AC स्क्वायर इतना निकाल लिए। अब इसको जोड़ो, AC स्क्वायर जोड़ो कितना हुआ, ऐड करो इसको 9 4 कितना हुआ 9 10 11 12 13 3 लिख दिए है यहाँ पे 3, ठीक है 6 4 कितना हुआ 10, तो ये आ गया 113। AC बराबर कितना आ जाएगा √113 ये आ गया, ठीक। यानी कण का मान आ गया √113, कण कितना आया √113, ये कण निकल आया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अब देखिए पहला हमें क्या करना है, पहले हम निकाल लेते हैं साइन थीटा, क्या निकाल लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। देखिए साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है इसमें 8, कर्ण कितना है 113, ठीक है yes, पहला आप निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए 1 प्लस साइन थीटा, फिर है 1 माइनस साइन थीटा, फिर आपका दिया गया है ये 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, और है 1 माइनस कॉस थीटा, cos थीटा। देखिए बच्चों एक चीज अभी और निकालना है, sin थीटा लंब बटा कर्ण, तो cos थीटा भी निकालना पड़ेगा, cos थीटा निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब कर्ण, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार 7 है कर्ण क्या है √113, इतना हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है, क्या पुट कर देना है वैल्यू यानी मान पुट कर देना है। साइन थीटा का मान कितना है 1 प्लस 8 बाई √113, यही तो है, फिर 1 माइनस 8 बाई √113, इतना समझ में आया। अब देखिए कॉस थीटा का भी मान रखिए, कॉस थीटा कितना दिया गया है 7 बाई √113, है ना, और यहाँ पे 1 माइनस 7 बाई √113, ठीक है। अब देखिए ऊपर देखो क्या लग रहा है, a प्लस बी है, a माइनस बी, ऊपर हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें भी नीचे भी देखिए a प्लस बी का फॉर्म है, फिर a माइनस बी का फॉर्म है, इसे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 का स्क्वायर कर दिया और फिर माइनस 8 बाई √113 का स्क्वायर कर दिया, नीचे भी
वन का स्क्वायर कर दिया माइनस सेवन बाई टू वन वन थ्री का स्क्वायर कर दिया है ना। ए स्क्वायर क्या होता है वन और वन माइनस एट, एट का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो गया। और इसका स्क्वायर करोगे तो 113 ही आएगा ठीक है। इसी प्रकार इसमें 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 49 बाई 113 इतना क्लियर। yes, अब देखो इसको और नीचे देखिएगा। अब इस 1 को हम 1 बाई 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और ये 60 बाई 4 113 नीचे भी इस 1 को 1 बाई 1 लिख सकते हैं 49 बाई 113 है ना। अब इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं देखिए। अब इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा 113 113 है ना। तो अब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 113 माइनस 64 आ जाएगा। नीचे भी इसी प्रकार 113 माइनस 49 बाई 113। अब 113 में से 64 घटाइए, 113 में से 64 घटाइए 49 चार 13 से 9 घटाओ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये कितना आया 9 है ना। यानी 49 आएगा, कितना आएगा 49 ये हो गया 49 बाई 113। अब 113 में से 49 घटाइए 64 आएगा ना 64 बाई 113 इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमने लिख दिया 49 बाई 113 यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन करेंगे नीचे वाले भिन्न का हर जो है अंश में, अंश जो है हर में चेंज हो जाएगा 113 बाई 64 113 से 113 कैंसिल ये क्या हो गया 49 बाई 64 क्या आया 49 बाई 64 ये आंसर हो गया। समझ रहा बच्चों? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको। यस सर। काट स्क्वायर थीटा किसका मान निकालना है? काट स्क्वायर थीटा। देखिए ये दिया ही गया है काट थीटा बराबर सेकंड पार्ट बता है सीओटी काट थीटा बराबर कितना है 7/8 ये गिवन है ना। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर 49 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 ये भी आंसर आ गया ठीक। बिटा दें प्रश्नावली के और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 8 का जो है आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है 8 में आपका दिया गया है 3 cot A इक्वल टू क्या है 4 है ना। yes, sir. तो पूछ रहा है तो जांच कीजिए क्या कह रहा है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर क्या दिया गया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ना। ये हमारा सही है कि गलत ये जांच करना है। हमें क्या जांच करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये सत्य है अथवा असत्य है ठीक है। ये हम हल करते हैं 3 cot A इक्वल टू 4
ठीक, ये दिया गया है बच्चों, तो काट के निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, काट के, काट के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 है ना। देखिए अब हम क्या करेंगे, एक संपूर्ण त्रिभुज बना लेंगे, क्या बना लेंगे, एक संपूर्ण त्रिभुज, ये हमने बना लिया है ना, ये हो गया सी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। एंगल ए को आप थीटा मान लीजिए, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, जैसे 90 है, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, यानी हाइपोटेन्यूज होती है। थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर यानी लंब होती है, 90 के सामने वाली भुजा जो है कर्ण होती है यानी हाइपोटेन्यूज होती है। तीसरी भुजा क्या होगी, बेस, जिसको हम आधार कहेंगे। अब यहाँ पे 3 cot A = 4 था, तो cot A हमने निकाल दिया 4/3, और हम जानते हैं कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा लंब, तो ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा क्या हुआ, लंब हो गया, ठीक। तीन हम AB जो है हमारा क्या हुआ, आधार हुआ, BC भुजा हमारा क्या हुआ, लंब हुआ, है ना। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, PGT, क्या लिखा हमने, PGT, इसके हिसाब से AC² = AB² + BC² ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर AB आपका कितना दिया गया है, AB जो है 4 square, BC कितना दिया गया है, 3 square, 4 square कितना होता है, 16, है 3 square कितना होता है, 9, ये हो गया 25, यानी AC square है ना, AC बराबर क्या हुआ, √25। अब इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए, AC का वर्गमूल निकालोगे क्या आएगा, AC बराबर 5 × 5, AC क्या है, कितना निकल आया, 5 निकल आया ना, यानी कर्ण हमारा हो गया 5, ठीक। अब हमने हाइपोटेन्यूज निकाल दिया, कर्ण निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी टेन की, कॉस की, साइन की, इसे हम अलग निकाल लेते हैं, है ना, समझ में आ रहा है, तो पहले हम साइन ए निकाल लेते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, है ना, लंब आपका कितना है, इसमें 3 है, कर्ण कितना है, 5 है ना। कास ए की भी आवश्यकता पड़ेगी, कास ए क्या होता है, आधार बटा कर्ण, इसमें आधार कितना है, 4, कर्ण कितना है, 5 है। 10A की भी आवश्यकता पड़ेगी, 10A इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, है ना, लंब कितना है, 3, आधार कितना है, 4, 3/4, ये भी हो गया, है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, सर। पहले हम लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, 1 − 10² / 1 − 10² A / 1 + 10² लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, तो 1। अब यहां से 10A का मान रख दो, 10A का मान कितना दिया गया है, 3/4, यानी 3/4 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब इसी प्रकार 1 + 3/4 का स्क्वायर ये भी कर दिए, इतना क्लियर, यस सर। अब देखो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, है ना, 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब हम ये क्या हो जाएगा, 16 − 9/16 और ये 16 + 9/16, है ना। अब यहाँ पे देखिए 16 में से 9 हटाएंगे कितना आएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी 7/16 आ गया, और 16 9 कितना होता है,
पच्चीस बटा सोलह हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, सात बटा सोलह गुणे सोलह बटा पच्चीस हो जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे वाली भिन्न का अंश जो है हर जो है अंश में बदल जाता है। सोलह से सोलह कैंसिल, ये आ गया सात बटा पच्चीस, सात बटा पच्चीस, इतना उतार लो बच्चों, उतार लिए। यस सर। अब देखिए हम राइट हैंड साइड का मान निकालते हैं, मिटा दें इसको। यस सर। दिया गया है राइट हैंड साइड, दिया गया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना दिया गया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब कॉस ए का मान कितना दिया गया है, चार बटा पांच, यहाँ पर हमने पुट कर दिया फोर बाई फाइव का स्क्वायर, है ना। साइन ए का मान कितना दिया गया है, तीन बटा पांच, यहाँ पर हमने लिख दिया तीन बटा पांच का स्क्वायर, है ना। चार का स्क्वायर कितना होता है, सोलह बटा पच्चीस माइनस तीन का स्क्वायर नौ बटा पच्चीस, है ना। अब एलसीएम कितना आएगा, पच्चीस। जब ये समान होता है इस चिन्ह के अनुसार जोड़ते हैं अथवा घटाते हैं, ये हो गया सोलह माइनस नौ, सोलह में से नौ घटाओ कितना आएगा, सात, है सात, सात बटा पच्चीस। लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना निकाले थे, सात बटा पच्चीस। चूंकि ऐसे लिखोगे, चूंकि लेफ्ट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, अतः वन माइनस टेन ए, वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपान वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कथन सत्य है, कथन सत्य है, ठीक। समझ में आया क्वेश्चन, अब आगे बढ़े, ठीक। ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या दिया गया है, टेन ए इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, टेन ए इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, तो कह रहा है निम्न का मान ज्ञात करो, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, दूसरा ज्ञात करना है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, है ना। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले इस पर ध्यान दीजिए, देखिए ये हम बहुत पहले बताए थे सी ए बी, ठीक है, ये क्या है सी ए बी, ठीक है। अगर हम एंगल ए को थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एंगल ए को थीटा मान लेते हैं, तो थीटा के सामने ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, क्या हो जाएगी, लंब। ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, कर्ण, कर्ण, है ना। तो तीसरी भुजा ये क्या होगी, आधार, आधार। एक तो ये ध्यान देना है, उसके बाद दूसरा फिगर बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सी है, ये ए है, ये बी है। अगर थीटा हम कंसीडर करते हैं, एंगल सी को थीटा किसको मानते हैं, एंगल सी को, थीटा के सामने वाली भुजा अब ये क्या हो जाएगी, लंब, ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली ये भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, ये भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, ये भुजा क्या होगी, आधार। अब इसी का खेल है इस क्वेश्चन में, है ना। देखिए पहले टेन ए दिया गया है, टेन ए इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, है ना। लंब हमारा, अगर हम इसको थीटा मान लें, एंगल ए को थीटा मान लें, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, बीसी, कौन सी भुजा होगी, बीसी, बीसी वन हो गया, आधार
मुझे हमारी ए बी होगी जो रूट थ्री हो गया है ना। अब इसमें क्या लगा दिया जाएगा, पाइथागोरस पी जी टी है ना। पी जी टी से हम क्या निकालेंगे, ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान कितना दिया गया, रूट थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर हो गया। बी सी का मान कितना दिया गया है, वन, वन का स्क्वायर हो गया। रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है, थ्री प्लस वन है ना। ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू आया, ए सी स्क्वायर कितना आया हमारा, फोर है ना। अब ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट फोर। रूट फोर का मतलब क्या होता है, ए सी का वर्गमूल निकाल लीजिए, यानी रूट निकाल लीजिए, टू इंटू टू है ना। ए सी बराबर कितना आ गया, दो। ए सी कितना आया, दो है ना। ये हमने निकाल लिया दो है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं है ना। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब यहां पर ध्यान देना, देखो साइन ए, साइन ए का मतलब एंगल ए को थीटा मानेंगे है ना। लंब भुजा क्या होगी, बी सी। लंब क्या होगी, बी सी। बी सी वन है, साइन ए बराबर हो जाएगा वन बाई टू। अब इसमें एंगल सी को थीटा मानेंगे, देखिए ऊपर बना है ना, एंगल सी। एंगल सी को जब थीटा मानेंगे तो ए बी जो है लंब हो जाएगा, बी सी क्या माना हो जाएगा, आधार है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा, आधार बटा कर्ण है ना। तो आधार इसमें क्या होगा, देख के बताओ इसमें आधार क्या होगा है। कॉस सी के लिए एंगल सी को आप क्या मानोगे, थीटा। एंगल सी को थीटा मानोगे है ना। जब थीटा मानोगे तो लंब ये हो जाएगी, आधार ये हो जाएगी और कर्ण ये हो जाएगी है ना। वन बाई टू ये क्या हो गया, आधार, वन बाई टू हो जाएगा। फिर इसी प्रकार कॉस ए कह रहा है क्या कह रहा है, कॉस ए, एंगल ए को थीटा मानोगे तो एंगल ए को थीटा मानोगे तो आधार ये होगा, कर्ण जो है एसी होगी। आधार इसमें क्या है, हैं, रूट थ्री। कर्ण क्या है, टू टू। अब बात आती है साइन सी की है ना। जब साइन इसको थीटा मानोगे एंगल सी को तो लंब क्या होगा, रूट थ्री। रूट थ्री और कर्ण क्या होगा, टू टू, यानी रूट थ्री बाई टू। अब इसको गुणा करेंगे तो वन बाई फोर हो गया है ना। रूट थ्री में रूट थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे थ्री हो जाएगा बाई फोर। इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा, फोर। वन और थ्री को ऐड कर लीजिए हैं, फोर बाई फोर, फोर से फोर कैंसिल कितना आ गया, वन। ये वन आंसर आ गया ठीक है। अब हम इसका दूसरा पार्ट लगाते हैं, बिठा दे इसको। ऐसा कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। इसमें भी वैल्यू पुट कर दीजिए। कॉस ए कह रहा है एंगल ए को थीटा मानोगे तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण दो हो जाएगा है ना। रूट थ्री बाई टू है। कॉस सी, कॉस सी जब लगाओगे तो हमारा क्या होगा, आधार वन, आधार जो है वन होगा है ना। और कर्ण क्या होगा, टू ठीक। इसी प्रकार साइन ए, साइन ए बराबर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसमें लंब वन हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, टू टू, वन बाई टू। फिर साइन सी इंटू साइन सी, साइन सी के लिए थीटा इसको मानोगे तो लंब क्या होगा, रूट थ्री है, रूट थ्री। अब कर्ण क्या होगा, टू टू। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए,
रूट थ्री, टू बार टू इंटू टू ये फोर हो गया, माइनस रूट थ्री बाई फोर। अब ये रूट थ्री से रूट ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया जीरो, ये सर क्या हो गया जीरो जीरो। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका नौवा जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स।